गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आने वाले संडे को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से होगा, जहाँ तक पढ़ाया है उसी में से दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट को ही आप तैयार करें, इसी में से मैं दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक को बाहर निकाल लें। नोटबुक बाहर निकाल के सबसे पहले CW, फिर जो अपना चैप्टर की हेडिंग है, रिविजन एक्सरसाइज है, वो सारी आप हेडिंग को फिल कर लें, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथ। अब तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, आज अपन 7th वाला करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है 5 by यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से अपन करेंगे विदाउट प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, या अपन इसको प्रॉपर्टी से करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको यहां, तो मैं अरेंज करूं, देखो 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस, ठीक है। यहां पर तो मैं 65 मल्टीप्लाई माइनस का 225, ठीक है। या अपन मैं साइन इसको दे दूं, मैंने इसकी जगह चेंज करी, चाहे 625 को 65 से करो या 65 को 25 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मान लो माइनस का साइन अगर दोनों को करूं तो माइनस का साइन मैं इसको दे दूं, ठीक है। मल्टीप्लाई में दोनों को चाहे इसको दे, मैंने इसको दे दिया, अब मेरे पास में आ गई प्रॉपर्टी आराम से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 625 बाहर ले लूंगा, मल्टीप्लाई अंदर वाले प्लस कर लूंगा, -35 और माइनस के 65, ठीक है। ये हुआ, पहले मैंने क्या अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में ये मैं एक प्रॉपर्टी से बता देता हूं, बाकी अपन सिंपल दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 625 लिख दिया, अब इन दोनों को आप प्लस कर लो, दोनों माइनस के इंटीजर है, देखो 625 मल्टीप्लाई दोनों माइनस के इंटीजर है, 5 + 5 = 10, 639 = 10, तो -100 आ गए, ठीक है, दोनों माइनस के इंटीजर है, तो ये हो गया 625 माइनस के 62,500 है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें, फटाफट कर ले, ये है प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। मैंने पहले क्या किया, 625 ये 35 था, मैंने इसकी जगह चेंज कर दी, ठीक है, जगह चेंज कर ली ताकि ये दोनों प्लस प्लस पास हो जाए और ये 600 कॉमन आ जाए। अब मैंने 625 बाहर क्यों लिया, क्योंकि 625 इससे भी हो रहा है, इससे भी, दोनों जगह, तो दोनों जगह कॉमन ले लिया। अब माइनस इसके पास था, अब मैं कॉमन कहाँ लिया जाता है, जो दोनों में एक जैसा हो, तो यहां तो माइनस था, तो मैंने इसके इसके पास माइनस, इसके पास में प्लस, तो दोनों अलग हो गए, इसीलिए मैंने इसके पास जो माइनस था इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको दे दिया, भाई तू ले थोड़ी देर, माइनस का चिन्ह तू तेरे पास रख, बाद में वापस तेरे से लूंगा। तो 625 इसलिए मैंने दोनों का कॉमन ले लिया
और इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है। और प्लस करने पे दोनों माइनस के इंटीजर है, माइनस का आएगा माइनस 100, ठीक है। और माइनस 100 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 62,500 हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करें इसको। सभी ने उतार लिया होगा तो बढ़ते हैं अपन आगे, फटाफट उतार लें। ये वाला 20 मल्टीप्लाई माइनस 16 प्लस 20 इंटू 6, ठीक है। इसको भी मैं अरेंज कर लेता हूँ। देखो 20 मल्टीप्लाई माइनस 16 इसको यही रखो प्लस, ठीक है, 6 इंटू 20 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ, दोनों जगह 20 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कॉमन बना लो, 20 बाहर, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ले लो माइनस 16 और प्लस 6 ले लिया। 20 मल्टीप्लाई कर लो 6 प्लस माइनस माइनस 16 में से 6 गया बच्चा, माइनस का 10 ये हो जाएगा 20 10 है 200 माइनस का 200, ठीक है। ये भी आप आंसर कॉपी पेस्ट करें। ये प्रॉपर्टीज वाले हैं, के बाद में सी उसको अपन सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट एक विदाउट प्रॉपर्टी करते हैं। तो ये सभी ने उतार लिया हुआ, माइनस 56 इंटू 19 56, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो आराम से, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, 56 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब ये आया। अब इसमें से 6 माइनस कर लो, 56 माइनस कर लो, 14 में से 6 आएगा तो बचेगा 8, 5 में से 5 है 0, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा माइनस के 1108, ठीक है। ये भी आप कॉपी पेस्ट कर ले।
तो ये था अपना करेंगे होमवर्क। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देखो, 8 वाला तो मैं करूंगा क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। कैसे है? वर्ड प्रॉब्लम है तो पूरी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या मैं करूंगा। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन कौन करवाऊंगा? मैं करवाऊंगा बोर्ड पे, 8 वाला मैं करवाऊंगा। इजी है आपके लिए। 9 डिवाइड, डिवाइड आप आसानी से कर सकते हो, भाग डिविजन। तो मैं आपके लिए डिविजन डाल रहा हूं होमवर्क में। क्वेश्चन है अपने पास में 9। ठीक है, 9 में ए माइनस 44 को आप डिवाइड करो बाय 12 बाय माइनस 24। माइनस 36 को करो आप बाय 36। ठीक है, ये आप चलो 9th वाला पूरा ही कर लो। माइनस 63 बाय माइनस 20 का। देखो ये माइनस, दोनों माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। ये एक ही माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा, वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए तीनों होमवर्क है, ए बी सी। ठीक है, होमवर्क में करना है, अच्छी राइटिंग से करना है। और 8th वाला क्वेश्चन क्या है मैं करवाऊंगा कल, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड वाला प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। तो इसी के साथ अपनी जो क्लास है वो आज फिनिश होती है। तो कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।